इंडियन रोड कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के आज के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अतिरिक्त सचिव NHAI श्री अमित घोष जी, अध्यक्ष इंडियन रोड कांग्रेस CP जोशी जी, महानिदेशक एवं विशेष सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय कुमार निर्मल जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री संदीप कुमार जी, आज के इस इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उपस्थित है इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़े हुए देश और दुनिया के सभी प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के हमारे विभिन्न तकनीकी संस्थानों से जुड़े हुए छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, 3 दिवसीय इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि समेत आप सभी प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मौसम के विभिन्न चुनौतियों के बावजूद आप सब समय पे यहां पर उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम अपने विभिन्न टेक्निकल सेशंस के साथ आज प्रातः काल से ही यहां पर चल रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है और मैं इस अवसर पर इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, खासतौर पर इसके पदाधिकारियों को जिन्होंने इस 81वें अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। उत्तर प्रदेश में अब तक इंडियन रोड कांग्रेस के 4 अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं, 5वां अधिवेशन है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो चुनौती भी हमारे सामने उसी प्रकार से बड़ी है। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 2014 में जब केंद्र में नई सरकार का गठन होता है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस समय फोकस करके एक अभियान को आगे बढ़ाया गया, उस समय हम लोगों का संवाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ हुआ था। उस समय उन्होंने जिस मजबूती और जिस आत्मविश्वास के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था, आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। यद्यपि उनके पास पहले का अनुभव भी था, महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में उनके कार्यों की सदैव सराहना हुई। एक कम समय में, मुझे याद है पुणे से मुंबई के बीच 6 से 8 घंटे की दूरी तय होती थी, लेकिन उनके लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद उस दूरी को उन्होंने 2 घंटे में पूरी करके दिखाया था।
और ये वो कालखंड था जब देश के अंदर एक्सप्रेसवे के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। बाद में सर्वे अटल जी की, जो कि लखनऊ कर्म भूमि भी है और देश को इंटरनेशनल मानक के हाईवे मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना को आगे बढ़ाते हुए देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जो कार्रवाई आगे बढ़ाई थी, न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को भी प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के माध्यम से जो एक गति उस कालखंड में दी थी। उस समय उस सरकार को उस समय उस कार्य को करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप विगत 8-8.5 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिला है। जिस तेजी के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी इस विश्वास के साथ कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को विकास के पायदान पर आगे बढ़ाना है, 25 करोड़ आबादी के जीवन में परिवर्तन लाना है, उनकी आय में कई गुना वृद्धि करनी है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना ही होगा। और उस समय हम लोगों ने फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हम लोगों ने अच्छा किया। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जहां से भी घुसेंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त होगी। ये भारत सरकार के सहयोग से भी और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर भी, दोनों ने डबल इंजन की तरह इस पर कार्य करते हुए एक समय सीमा के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के वातावरण के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रदेश के अंदर न केवल बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दें, बल्कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी समय पर निर्णय लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गतिविधि को आगे बढ़ाएं, और उसे आगे बढ़ाने के साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए वर्ल्ड क्लास के एक्सप्रेस हाईवे के एक संजाल को बिछाने का काम करें। क्योंकि हम जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को का उल्लेख करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है, और इकोनॉमी को अगर बुस्टअप करना है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी पहली शर्त हो सकती है। और उसी दिशा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारे जो 2 क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, जहां कोई निवेशक नहीं जाना चाहता था, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र था और बुंदेलखंड का क्षेत्र था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने अपने 5 वर्ष के पहले कालखंड के दौरान दोनों क्षेत्रों को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ करके कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम कोरोना के सामने रुके नहीं और झुके भी नहीं, हम लगातार कार्य करते रहे। हम लोगों ने वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनाए, हम लोगों ने वहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और यह कार्य समय सीमा के अंदर हमारा पूरा हुआ। कार्य पूरा करने के साथ आज 2 एक्सप्रेस हाईवे को हमने पूरा किया। इसी दौरान आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी न केवल बना बल्कि वह राष्ट्र को समर्पित भी हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी और हाईवे का एक बेहतर संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाने के बाद नई तकनीक का उपयोग करते हुए कम लागत में अच्छी सड़कों को, टिकाऊ सड़कों को हम कैसे दे सकते हैं। मुझे याद है जब 2018-19 में गडकरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और देश के अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश में जुट करके यहां पे कॉन्क्लेव आयोजित किया था, उस समय FDR तकनीक पर चर्चा हुई थी, और FDR तकनीक को आज उत्तर प्रदेश सबसे सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। हमारी ग्रामीण सड़कें आज बेहतरीन तरीके से, टिकाऊ सड़कें हम इस पद्धति के माध्यम से दे रहे हैं, जो कम लागत पे यानी कुल कॉस्ट की लगभग 1/3 लागत उससे कम हो जाती है।
और उससे हम लोग कम लागत में, कम मटेरियल में उन मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, वे पहले से बेहतर टिकाऊ भी हैं। वो हमारा एक मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी चुनौती है। और मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो देश विश्वकर्मा की पूजा करता रहा हो, उस देश में नई तकनीक को सोचने के लिए, आज मैं वही देख रहा था जब मेरी यहां पे मेंबर सेक्रेटरी IRC से बात हो रही थी, कह रहे थे कि हम लोग इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। मैंने कहा आप तो हर वर्ष अपनी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए हर स्टेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लो कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ते हुए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एडवाइजरी सभी के लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होना चाहिए उन राज्यों में लागू करने के लिए, सेफ्टी की दृष्टि से। हम विश्वकर्मा की पूजा हर वर्ष करते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने वाला समाज जब तकनीक की बात आता है तो वह दूसरे यानी पश्चिम की तरफ देखने के लिए मजबूर होता है। जब ये यहां पर इंडियन रोड कांग्रेस के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की चर्चा हुई तो मैंने लोक निर्माण विभाग से कहा, मैंने कहा यहां पे हमारे जितने भी तकनीकी संस्थान हैं उनके छात्रों को इसमें जरूर बुलाइए, उनको इसके साथ जोड़िए, क्योंकि उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हम जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और आज की तकनीक में कितना अंतर आया है, हमें आगे क्या कुछ करना है और नए सिरे से देखने के लिए, इसमें सोचने के लिए, समझने के लिए हमारे सामने कितनी संभावनाएं होंगी, क्योंकि वह अपने तकनीकी संस्थानों में जो कुछ पढ़ते हैं उनका एक थ्योरेटिकल ज्ञान तक सीमित हो जाता है। ये जितने तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर एकत्र हुए हैं ये उसके व्यवहारिक पक्ष को और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उसमें समय समय पर नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं और उस समय उनका आइडिया अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है और इन छात्रों के लिए भी एक नई गाइडलाइन उसके माध्यम से हम जारी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उसके अनुरूप बनाने में हमें मदद मिल सकती है, इसमें इसलिए हमने कहा कि इन सभी छात्रों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए और यह कार्य भी यहाँ पर हुआ है। हर वर्ष हम विश्वेश्वरैया जयंती भी मनाते हैं, उस सब के बावजूद मैं कभी कभी देखता हूँ कि हमारे तकनीकी विशेषज्ञ कभी कभी लकीर के फकीर बने रहते हैं। हम उससे उभर करके नए सिरे से सोचने की और नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा और इसलिए त्रिदिवसीय जो ये सम्मेलन है आपका इंडियन रोड कांग्रेस का इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर IRC प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडिया के लिए अपने कुछ मेडल जारी करता है और मैं आज यहाँ पर UP मेडल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन रोड टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेडल यूपी गवर्नमेंट की ओर से भी, मैं IRC से कहूँगा कि वह यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको जारी करें, यूपी गवर्नमेंट इसमें सभी प्रकार का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए वहन करेगी, क्योंकि आज की चुनौती है एक जो हम सब के सामने वर्तमान में महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आदरणीय गडकरी जी बार बार कहते हैं, उन्होंने बहुत बार इसके बारे में रोड सेफ्टी के बारे में, याद रखना आपके द्वारा गलत इंजीनियरिंग के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, अगर हम उनको समय पर पहुंचाने के लिए अच्छी सड़क दे रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को उस रफ्तार में अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कोरोना कालखंड में पिछले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, कोरोना जैसी महामारी ने जिसने दुनिया को पस्त कर दिया था, उत्तर प्रदेश ने अपने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से प्रयास किया कि जीवन भी बचे और जीविका भी बचे। 2.5 वर्ष में हमारे यहां 23,600 मौतें हुई हैं कोरोना से। अगर देश के अंदर CRF देखेंगे कोविड के तो सबसे कम है ये,
हमने पूरा प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन रोड एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक मौतें होती हैं। आप सोचिए कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में 23,600 मौतें हो रही हैं और 2.5 वर्ष में होती हैं, और अकेले एक वर्ष में रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं उनकी संख्या ये प्रतिवर्ष 20,000 से 21,000 हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद मैं हर चौथे महीने यहाँ पर रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको लेकर के स्वयं भी बैठक लेता हूँ। उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो जरूर है कि जिसमें अभी एक चैलेंज हम सब के सामने है। कहाँ पर ये चैलेंज है इसको हम अवश्य देखेंगे। इस भीड़ में तकनीक का उपयोग करते हुए, जैसे हम लोगों ने हाउसिंग में प्री फैब्रिकेट मॉडल के माध्यम से हाउसिंग की स्कीम को बहुत जल्दी बनाने की तकनीक को आगे बढ़ाया है, ब्रिजेज में भी हम लोगों ने काफी हद तक इसको अपनाया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या हम इस दिशा में कुछ नए प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए रोड टेक्नोलॉजी को और सहज और सरल बनाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस इस पर अवश्य मंथन करेगा। मैं एक बार फिर से इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के अवसर पर इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में अपना समय देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल वीके सिंह जी का, इंडियन रोड कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का, देश और दुनिया के तमाम देशों से यहाँ पर उपस्थित सभी डेलीगेट्स का और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके प्रोत्साहन भरे शब्द निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हाईवे हमारा हो, और इस सपने को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे